सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मनामा। गाइस ये बॉटल बोलता भी बोलता है बॉटल सीरियसली ऐसा नहीं है ना ईशा और नाशा आ गए हैं और गाइस कमेंट कर दीजिए जो बताना है। अभी मम्मा ले रही है पूजा का सामान और पेट पूजा दोनों हो चुका है। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्बा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैं अभी शाम को ये शूट कर रही हूँ। आज मैं सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आपको पता है हमारा डेली रूटीन क्या ही रहता है। देखो मेरी दीदी ने इतना सुंदर हेयरबैंड बनाया, कमेंट करके जरूर बताना मेरे हेयरबैंड को। नाइस। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मनामा और अंसार गैलरी। हमें घर के लिए लेनी है कुछ चीजें और कल तीज है, तीज का भी सामान लेना है। गाइज ये वीडियो मैंने तीज के एक दिन पहले बनाया था पर मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ। और आराध्या रेडी हो गई। तुम क्या कर दिया? फेमस हो गई मैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, चले रेडी। बॉटल बोल रहा है भाई ना, ऐसा क्या बोल रही है ये बात समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इनका बॉटल बोलता है और कल अगरबत्ती है ना दीदी, जानते हो कल अगरबत्ती दिखा रही थी तो अगरबत्ती जो जल रहा था तो जल्दी जल्दी नीचे नीचे जाता है ना, तो कह रही उसका कपड़ा निकल रहा है। ऐसा नहीं है ना ईशा। ना ईशा एक एक सी बातें करती है। अनाध्या को मनामा बिल्कुल नहीं पसंद है और बिना मनामा गए कोई भी काम नहीं हो पाता है। आओ 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 घर पर रह के करोगी क्या? मैं जाऊंगी, तुम लोग गाड़ी में बैठना। मम्मा मैं पहले हम लोग ग्रोसरी जाएंगे फिर उधर मनामा जाएंगे। पहले ग्रोसरी वो ले लो। क्या लिस्ट? कौन सा लिस्ट? क्या चिकन खाने की डैडी ने खिलाना। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मनामा के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे मनामा और उसके बाद लौट के आएंगे, फिर अंसार गैलरी से कुछ ग्रोसरी वगैरह लेंगे। तो अभी जा रहे हैं मनामा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस हम लोग चिकन भी खाएंगे। और कल पूजा है, इन लोग को चिकन खाना है। और गाइस कल हम लोग बाल धोले तो चिकन नहीं खा सकते। ठीक है चलो देखते हैं अभी ना, अभी पहले मनामा चलते हैं उसके बाद फिर ग्रोसरी। नमकीन मिलता है रहता है वो स्वीट वाला, वो तो यार तो खट्टा मिलता ही है। हाँ वो मटरी मिलता है वहाँ गुदेविया वाले में, गुगा वाले में। चलो देखेंगे होगा तो वही खट्टा मिलता है ना बनावा वाला। तो वाह क्यों नशा वो जो अभी ये सुनी मेरी बहन चुड़ैलिया मेरी चुड़ैली चलेगा बाबल बहरीन। मैं नहीं जाऊंगी बाबल बहरीन। मैं जाऊंगी अयोध्या। डैडी हम लोग को यहीं पे छोड़ देगा और मैं और नायशा जाके लेके आएंगे ना। सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं बाबल बहरीन। बाबल बहरीन बाबल बहरीन बाबल बाय बाय।
चलो चलो चलो। सो गाइस डैडी हम लोग को छोड़ के चले गए क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, तो मैं और नाशा आए, आराधा नहीं आई क्योंकि आराधा को ना पैदल चलना पसंद नहीं है। इसके लिए मैं और नाशा आ गए हैं। मम्मा के लिए जान इसके लिए मैं को कोई चाहिए वहाँ। हाँ तो अकेले अच्छा नहीं लगता है। सो ये है बाबल बैरिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है गाइस। और गाइस कमेंट कर दीजिए बताना ये कैसे लग रहा है। ये बहुत सुंदर है नाशा की तरह ना। यहाँ पे ये सब चीजें भी मिलती है। सो गाइस हम आ चुके हैं मनामा और अब हम जा रहे हैं बाई वॉक। टेम्पल के साइड में मिलता है फ्लावर्स, पहले वहां से फ्लावर्स लेंगे उसके बाद हम जाएंगे। साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है नशा। ये सब कोल्ड की शॉप्स हैं। अगर मम्मा ले रही है फूल है इतनी सुंदर सुंदर, देखिए मम्मा ने एक ले चुका सुंदर वाला। क्या बोली नशा? जरूर करके जरूर बताना। अभी हमने फूल ले लिया है और अब हम जा रहे हैं मिठाई लेने। हाँ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से लेंगे। सो गाइस हमने मिठाइयाँ भी ले ली है और आयशा ने लिया है मठरी। और क्या लिया नशु? और बस इतना ही लिया। मेरे डैडी ने हम लोग को अभी कॉल किया था और हम लोग अभी जा रहे हैं उधर और इंतजार करनी। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं और डैडी हमने जहाँ मुझे छोड़ा था वहीं पे मिलेंगे, फिर हम बैठ के जाएंगे। वीडियो ऐसे बनाना चाहिए रत्या अनाशा। हाँ ऐसे हम पहुंच गए हैं। मुझे तुरंत मिल गए और मैं वीडियो बनाने जा रही थी नैशा का, तब तक चल रहा है नैशा का वीडियो नहीं बनाते हैं। नहीं जैसे स्टार्ट की तब तक नैशा ने देख लिया डैडी आ गया, डैडी आ गया। तो गाइस ये है गोल्ड सिटी मनामा ज्वालू पास। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे गोल्ड सिटी लिखा हुआ है। ये गोल्ड सिटी मनामा तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बनारसी बाबू रेस्टोरेंट। ये है बनारसी बाबू, बड़े दिनों बाद आज हम यहाँ फिर से पहुंच चुके हैं। और गाइज अब देखे हुए हम लोग का भैया का नाम था बाबू, बाबू बनारसी। हाँ बाबू बनारसी भैया, मेरे भैया। कौन? मेरे भैया जो है मम्मा उनको बाबू बोलती है, इसके लिए उनका नाम भी बाबू, इनका भी नाम बाबू है। बनारस बाबू हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए ये सर इतना सुंदर, ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना।
कमेंट करके जरूर पता। वो मेरे सामने बैठे देखिए, ये मम्मा और मैं है ना, तो कुछ मैं ज्यादा तेज बोल लिया, मेरे को सब का आता है, इसके लिए मैं भी तो मना रही हूँ, बट आप लोग लाइक नहीं करते मेरे लिए, इसका मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर करना, वरना मत। ड्राई मंगा लेते हैं, वेज चिल्ली ड्राई, पनीर चिल्ली ड्राई, नहीं पनीर। और दे आओ पीछे आओ पीछे आओ, हम तो बना रहे, सच चुके हैं बना रहे। सो गाइस, हम लोग खाना वाना खा के अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बैठ गई नेसा, सो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और खाना कैसा लग रहा है? ऑसम। और गाइस देखो मेरे को क्या मिला, व्हाट इज दिस? दिस इज सो व्हाट आई मैं लास्ट टाइम नहीं खाई थी। हां हां, मैंने इसका। और गाइज अब हम लोग जाएंगे अंसार गैलरी, वहां से लेंगे ग्रोसरीज और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। तो हमारा दो काम हो चुका है, मतलब मंदिर वाला, मतलब कल के पूजा वाला और पेट पूजा, पूजा का सामान और पेट पूजा दोनों हो चुका है। और अब हमारा ग्रोसरी का है बाकी, तो अब हम वहां जाएंगे डायरेक्ट। ओह गॉड, ना पैर दुखना। हम तो बोले कि अंसार चलेंगे तो मेरा खाना पच जाएगा, तो तुम। हाँ, तो पर मेरा पेट दुख रहा है ना, आज मैं ऊपर नीचे कर दिया। हम लोग पहुंच चुके हैं अंसार गैलरी, और अद्या, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज गया यार, 9 बज चुका है। और अब हम यहाँ से ग्रोसरी लेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। क्या सही हो, मुझे क्या दिखा रही हो? कुछ बोलने के लिए क्या ही नहीं चेता के ना छे तक क्या, व्हाट इज दिस? नहीं छे तक जैसे ना माय बनाने। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और मुझे अंसार गैलरी में मेहंदी नहीं मिली थी, तो मेहंदी ढूंढते ढूंढते जब आके मुझे मतलब मिल गई फाइनली। मैं तो सोची कि मेहंदी नहीं मिलेगी। और गाइस मम्मा ने इतनी बड़ी ली है, मैं खुद देखे हूँ, बड़ी वाली ली है। हम लोग 4-5 जगह गए तब जाके मुझे मेहंदी मिली। और गाइस मम्मा इतना बड़ा लगाएगी, तो इतना बड़ा लगाती है मम्मा, समझ लो। सच बोल रहे हैं। कंगना रनौत फेमस हो गई क्या मेहंदी में भी? व्हाट, उसका नाम लिखा है कंगना रनौत का? कहाँ कंगना, कंगना कांजा लिखा है। अरे यहाँ क्या कंगना बस लिखा है। तो ये मेहंदी मुझे फाइनली मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है। सो गाइस इस वीडियो को हम करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस देखे होंगे ताज मेहंदी इतना बड़ा है, कमेंट करके। और रनायसा को लालच आ रहा है क्योंकि ये इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा रहती है कि मुझे भी लग जाए। सो ओके, टाटा बाय। और अभी 11 बजने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।